नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे भारत की कुछ पॉपुलर कंपनियों के फुल नेम के बारे में। भारत के लोग अपने बच्चों के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, साथ साथ उसके व्यापार को अगर हम देख लें तो उसका जो है यूनिक नाम रखते हैं, एक शॉर्ट नाम रखते हैं। साथ साथ देश में निक नेम का भी खूब चलन है, वह चाहे भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी हो या फिर किसी भी घर का बच्चा हो, हर कोई अपने बच्चे को एक निक नेम के नाम से जरूर बुलाता है। इससे कई कारण हो सकते हैं। जब निक नेम का जिक्र हुआ ही है तो हम इसके बारे में और भी बात करने वाले हैं, जैसे कि निक नेम को हम शॉर्ट नाम से भी जान सकते हैं। लोग पूरे नाम लेने से अच्छा उसके निक नेम लेना पसंद करते हैं। ऐसे में देश की कई ऐसी कंपनियां हैं जिसे हम निक नेम के नाम से जानते हैं और उसका हम पूरा नाम नहीं जानते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके पूरे नाम को नहीं जानते होंगे। तो आइए हम जानते हैं इन कंपनियों के निक नेम को, हम फुल नेम क्या है। MDH। भारत में जब आप मसाले का जिक्र करेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में MDH मसाला का ही नाम आएगा। क्या आपको पता है इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम है महास्यादी हट्टी। इस कंपनी की स्थापना साल 1919 में हुई थी और इसके संस्थापक थे महाशय चुन्नीलाल। MRF। MRF कंपनी भारत में टायर निर्माण के मामले में काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। इसकी स्थापना 1946 में चेन्नई में हुई थी। इतना ही नहीं, यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर निर्माता कंपनी में से एक है और यह दुनिया की अगर हम बात करें तो छठे स्थान पर है। इस कंपनी का पूरा नाम है मद्रास रबर फैक्ट्री। BPL। यह कंपनी भारत की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में से एक है। इस कंपनी की स्थापना साल 1963 में केरल में हुई थी। इस कंपनी का पूरा नाम है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज। भेल। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग के साथ साथ निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना साल 1964 में हुई थी। इसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अमूल। अमूल कंपनी पूरे देश में दुग्ध और दूध से बने सामानों के लिए जाना जाता है। बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत गुजरात के आनंद, एक जगह है वहां से हुई थी, और अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। NDTV। भारत के प्रमुख न्यूज़ चैनलों में से एक NDTV। बता दें कि NDTV अपनी खबरों के लिए जाना जाता है, खासकर रवीश की रिपोर्ट के लिए तो यह चैनल और भी प्रसिद्ध है। NDTV का पूरा नाम है न्यू दिल्ली टेलीविज़न। PVR। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो आपको PVR के बारे में पता ही होगा। यह एक मूवी थिएटर का चेन है। बता दें कि इसका मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। तो चलिए जान लेते हैं इसके पूरे नाम के बारे में। इसका पूरा नाम है प्रिया विलेज रोड शो। टॉय। भारत में प्रकाशित यह एक अंग्रेजी अखबार है। इस कंपनी का प्रबंधन बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के पास है। इस अखबार का नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। इनमें से एक रिकॉर्ड यह भी है कि दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला अंग्रेजी अखबारों में से एक है। इसका पूरा नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। DLF। भारत में अगर रियल एस्टेट कंपनी का जिक्र होता है, नाम आता है, तो उसमें इस कंपनी का नाम जरूर आता है। बता दें कि इस कंपनी की स्थापना 1946 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं राघवेंद्र सिंह। DLF का पूरा नाम है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। OYO। यह आप कहीं घूमने जाएं, यानी कि अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो कहीं आप रुकने का प्लान बना रहे हैं और आप होटल सर्च कर रहे हैं और उसमें भी सस्ता होटल सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में OYO रूम जो है आपको यह सुविधा उपलब्ध कराएगा। कहा जाता है कि यह कम पैसे में आपको आसानी से रूम दिलवाएगा और पसंदीदा रूमों में से एक होगी। इसकी शुरुआत जो है साल 2013 में हुई थी। इसका पूरा नाम है ऑन योर ऑन रूम, यानी कि आपका ही रूम है। तो एक तरह से कह लें कि भारत में जो है कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका कि आप शॉर्ट नेम से जानते हैं लेकिन उसका आप पूरा नाम नहीं जानते। हमने आपको जितनी कंपनियों के बारे में नाम उसका फुल नेम बताया, उसमें से कितने कंपनियों का पूरा नाम आपको पता था, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।